नमस्कार दोस्तों दोस्तों ऐसे ही ट्रिक सीखने के लिए वीडियो को आखिर तक देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो दोस्तों इसके लिए आपको मोबाइल में दो पावरफुल एप्लीकेशन की ज़रूरत है और कुछ वीडियो क्लिप्स की ज़रूरत है। तो वो एक तो है काइन मास्टर है, आपके फ़ोन में होना चाहिए, और जो दूसरा है पिक्चर ऐड या फिर कोई भी फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, और वो वीडियो जो क्लिप है वो दिखा देता हूँ। एक तो 12-13 मिनट का एक वीडियो क्लिप है जिसमें सिर्फ खाली बॉटल होगा और आपका कैमरा जो है हिलना नहीं चाहिए, एक जगह में कंस्टेंट होना चाहिए। दूसरा है जो वीडियो वो भी दिखा देता हूँ, उसमें सिर्फ एक्शन वाला होगा जिसमें पानी का बॉटल नहीं होगा, सिर्फ आपने एक्शन ही करोगे इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए। और जो फोटो है वो खींच लेना पहले बॉटल का फोटो, और उसको एडिटिंग कर लेना, जैसे कि पिक्चर ऐड हो कोई भी फोटो एडिटिंग ऐप की माध्यम से। मैंने एडिटिंग कर लेता हूँ आपके सामने पिक्चर ऐड की एप्लीकेशन के थ्रू। अब देख सकते हो मैंने पिक्चर ऐड जो है यहाँ पे क्रॉप टूल में चले जाना, जो मेन जो एरिया बाहर का हिस्सा उसको क्रॉप टूल में काट लेना पहले ऐसे ही। इसी तरह आपने क्रॉप टूल से काट लेना, फिर ओके कर लेना ऊपर कॉर्नर से जो टिक लगा हुआ है। फिर से क्रॉप टूल में जाना, यहाँ पे दूसरा वाला जो क्रॉप टूल है उस पर क्लिक करके ऐसे ड्रॉ करना उसी एरिया में जितना एरिया में बॉटल है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो इसी तरह। अब वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए, पूरी समझ में आ जाएगी आपको। इसी तरह कलर कर लेना इसको, फिर साथ में रबड़ वाला टूल उस पर क्लिक करके कोई अगर हिस्सा बाहर की ओर निकल रहा है, क्यों ना जितना एरिया सिलेक्ट हुआ है उतना एरिया ही आपका रह जाएगा, तो उसको काट लेना रबड़ टूल से। आप देख सकते हो इसको रबड़ टूल से काट के ऐसे ही आपने ठीक कर लेना, यानी कि आप अपना कला दिखाना है यहाँ पे। मैंने जल्दी में थोड़ा सा कर रहा हूँ क्योंकि ना नहीं तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप देख सकते हो। इसी तरह आपने इसको एडजस्टमेंट कर लेना थोड़ा सा, और इसको जैसे ही आपका कंप्लीटली हो जाएगा इसको रबर टूल से थोड़ा सा काट लेते जहाँ जहाँ बाहरी एरिया में ड्रॉ हो रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब सेव कर लेते हैं, ऊपर कॉर्नर पे सेव लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके फिर से आरो के निशान जो तीर के निशान उस पर क्लिक कर लेते हैं, उस पर करके अब सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब काइन मास्टर ओपन करते हैं। काइन मास्टर में यहाँ जाके यहाँ बीच में जो राउंड बना हुआ है रेड कलर का उस पर क्लिक करते हैं और एम्प्टी प्रोजेक्ट में जाते हैं। यहाँ देख सकते हो मीडिया ब्राउजर, इस पर क्लिक कर लेना ऊपर। यहाँ से बैकग्राउंड में से कोई भी बैकग्राउंड कलर ले लेना, मैंने जैसे हार्ट वाला बैकग्राउंड चूज कर लिया, इसको ड्रैग कर लेना उतना एरिया, इसको अंगुली में पकड़ के इसको ड्रैग करना, खींचना राइट साइड की तरफ, ताकि मेरा दोनों वीडियो इसमें आ जाए जितना ड्यूरेशन है। यहाँ पे जाना लेयर में और वीडियो में चला जाना, पहला वीडियो उठा लेना जो बटल वाला वीडियो, जहाँ पे आपका खाली बटल का वीडियो वो उठा लेना यहाँ से, और इसको बिल्कुल फिट कर लेना अपना जो एरिया के साथ फिट बैठा लेना। जैसे जैसे कर रहा हूँ आप ऐसे ही फॉलो करके आप भी बनवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ एंड में चले जाना जहाँ ख़त्म हो रहा है बिल्कुल, वहाँ पे बीच वाला जो लाइन है उसको रख के ये देख सकते हैं इधर उधर करके बिल्कुल एंड में जाके फिर से लेयर में जाके दूसरा वीडियो सिलेक्ट कर लेना जिसमें एक्शन वाला होगा, और इसको भी बिल्कुल उसी के बराबर ही बैठा लेना। ठीक है, ऐसे ही देख लेना आप, ऐसे ऐसे ही करते रहना। फिर आगे यहाँ जो फास्ट वीडियो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसे थोड़ा सा पहले आप जो फोटो एडिटिंग किए हैं बटल की, वो बटल का फोटो यहाँ से उठा लेना, फिर से लेयर में जाके पिक्चर में जाके उठाना। ठीक है, और इसको बिल्कुल बैठा लेना उसके साथ जैसे पता ना चले। हो सकता है मैंने जल्दी में कर रहा हूँ, वीडियो लंबा ना है इसीलिए तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में कमी रह जाएगा, इसके लिए सॉरी। तो आप बिल्कुल बैठा लेना उसके बराबर करके, यानी कि पहला वाला बटल दिखे ना, और जब वीडियो चले पता ना चले कि कोई दूसरा बॉटल भी इसके साथ में है रखा गया था। ठीक है, अब इसको चला के देख सकते हो एडजस्टमेंट हो चुका है जैसे।
थोड़ा बहुत फ़र्क 19-20 का रहेगा, क्योंकि ना मैंने जल्दी में कर रहा हूँ, आप अपना जो थोड़ा सा माइंड लगा के कर लेना इसको, और इसको ड्रैग कर लेना आखिर तक। अब देख सकते हो मैंने इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ड्रैग करते रहना ऐसे ही आखिर तक। ड्रैग करने के बाद इसको देख लेते हैं एक मिनट, वैसे ही। और यहाँ पे इस टूल को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया ये वाला जो पिक्चर वाला टूल, इसको आगे जाके क्रॉप कर लेते हैं, ये देखें, यहाँ से आगे जाके काट लेते हैं, देख सकते हो कट टूल में जाके राइट वाला, राइट ट्रिम टू राइट करके काट लेते हैं, ठीक है। अब वही पिक्चर जहाँ पे उठाया वो बटन वाला पिक्चर जो है क्लिप जो, उस पर सिलेक्ट करके उस पोजीशन में जाना जहाँ पे आपका ट्रिक के जादू शुरू होता है, ठीक है, वहाँ पे सिलेक्ट करके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में की का बटन है, ये देख सकते हो, यहाँ पे की पे क्लिक कर, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लेना, फिर आगे थोड़ा सा ड्रैग करके फिर से प्लस पे आपने क्लिक कर लेना, जैसे एक मिनट, प्लस पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब क्या होगा ना, आपका जादू यहाँ से शुरू करना है, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना, फिर धीरे 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 बॉटल को ऊपर की ओर चला लेना, ड्रैग करते रहना जब तक वो हाइड ना हो जाए, ठीक है। अब हाइड हो गया, इसको ऊपर कोने से ओके कर लेना, अब देखते हैं कैसे चलता है अपना ये, ठीक है। अब इसको चला के देख लेते हैं कैसे चलता है, देख सकते हो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं वैसे ऊपर की ओर हाथ कर रहा हूँ वो बटन भी चल रहा है, यानी कि अपना जो ट्रिक हमने जादू जो अप्लाई किया था वो कंप्लीट ऑलमोस्ट। इसको सेव करना है तो ऊपर कॉर्नर पे देखो, इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे यूनिटी 6 वो बन गया सबसे ऊपर, उस पे क्लिक करना, और यहाँ शेयर वाला निशान पे क्लिक करके सेव वीडियो टू गैलरी, यहाँ पे HD फुल HD जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हो। अब जैसे थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, हाँ जैसे हो गया कंप्लीट, अब प्ले पे क्लिक करते हैं। जैसे प्ले पे क्लिक करेंगे, कोई भी आपने मीडिया ब्राउजर मीडिया ओपन कर लेना, MX प्लेयर हो जो भी है, आप देख सकते हो वो मैं थोड़ा सा इसको काट के ही लगाया जो कंप्लीट हो गया था, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए, आप देख सकते हो इसको। तो इसी तरह आप भी अपना ये, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऐसी ट्रिक्स करते रहिए। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।